बनाने के लिए कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब किया, इक्विवेलेंट टू 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स, जो आपकी यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आई 1/λ की। इसी को हमने क्या किया, वेव नंबर था, वेव नंबर को हमने सीधे सीधे एनर्जी में कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। सो इन अ वे व्हाट वी सेड, व्हाट वी डिड, वी ओनली डिड वन थिंग दैट वी गॉट एन स्पेक्ट्रा, एंड हमने ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ मूव कराने के लिए जो भी 1/λ वैल्यू थी हमने एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व कर ली, यानी कि इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड थी, तो उससे हमने E=hc/λ से हमने एनर्जी कैलकुलेट कर ली। तो जो भी एनर्जी आएगी डेफिनेटली वही आपका डेल्टा ओ होगा, बिकॉज दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू मूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम T2g टू Eg ऑर्बिटल। सो नाउ ऑल वी हैव टॉक्ड अबाउट इज दैट हाउ एक्सपेरिमेंटली वी कैन मेजर द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। देयर इज नो अदर वे टू कैलकुलेट इट आइदर अनलेस यू हैव बीन प्रोवाइडेड सम अदर डेटा। कोई डेटा नहीं प्रोवाइड है तो आप क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग केवल और केवल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से ही कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो एक्सपेरिमेंट क्या है, सबसे आसान एक्सपेरिमेंट है, आप उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड कर लीजिए। दैट मीन्स यू रिकॉर्ड दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ व्हाट इज द एब्जॉर्बेंस ऑफ दैट कंपाउंड फॉर अ वेव रेंज ऑफ वेवलेंथ। आपने 200 टू 800 नैनोमीटर की वेवलेंथ थी, उसमें किस वेवलेंथ पे कितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है, दैट यू मेजर and you convert it to the energy and you will get your crystal field splitting value. Okay, so absorption spectra hamesha dhyan rakhiye always, kyunki this is something which has not been taught in previous classes. Aur actually isko yahan padhane se pehle hum logon ko bahut hi clearly padhna chahiye tha ki kaise absorption hota hai, but maine bahut hi outline mein bataya hai ki एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है। लाइट का एब्जॉर्प्शन होना है, हम लोग क्योंकि सभी कुछ विजिबल रेंज में पढ़ रहे हैं तो विजिबल लाइट का एब्जॉर्प्शन है, किस वेवलेंथ पे कितना एब्जॉर्प्शन है वही मेजर किया जाता है, एंड इट विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। वो ग्राफ कैसा भी हो सकता है, इवन टुडे व्हेन वी प्रिपेयर सर्टेन कंपाउंड इन आवर रिसर्च लेबोरेटरी, फर्स्ट थिंग वी डू इज द कैरेक्टराइजेशन एंड सेकेंड थिंग वी डू इज द मेजर द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ओके, बिकॉज इट हैज टू मेनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपाउंड। ओके, सो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन तो आपको जो आज समझ में आ रहा है दैट इज योर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग वैल्यू। सिमिलरली अगर हमारे पास BCl6 2- है, वेनेडियम हेक्साक्लोरो है, सो हियर द यू नो मैक्सिमा शोज अराउंड 15,400 सेंटीमीटर इनवर्स। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम 184 किलो जूल पर मोल। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट वेयर व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। आपको पहला कन्वर्जन फैक्टर पता होना चाहिए कि सेंटीमीटर इनवर्स को किलो जूल पर मोल में कैसे कन्वर्ट करें, क्योंकि आपके पास आइदर मैं एनर्जी देके आपसे पूछ सकती हूँ कि वेव नंबर बताइए या एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा किस पॉइंट पे आया है वो बताइए। तो अगर आपके पास 243 किलो जूल है तो आप बता सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स पे आएगा, अगर आपको ये कन्वर्जन फैक्टर पता हो। दिस कन्वर्जन फैक्टर इज नथिंग न्यू, वी हैव ऑलरेडी बस वी हैव पुट द वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टेंट्स। एच आपका प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, दोनों को हमने पुट कर दिया एंड यू विल गेट दिस वैल्यू। एंड सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द किलो जूल पर मोल टू द किलो कैलोरीज पर मोल, ओके, थ्रू दिस कन्वर्जन। सो ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर सर्टेन क्वेश्चन इज गिवन इन द एग्जामिनेशन, सो यू हैव टू रिमेंबर द कन्वर्जन फैक्टर्स, यू हैव टू रिमेंबर द यूनिट इन विच द योर डेटा इज गिवन, और वो यूनिट भी समझनी है जिस यूनिट में आंसर पूछा जा रहा है। आपको डेटा सेंटीमीटर इनवर्स या नैनोमीटर में भी दिया जा सकता है, सो दैट टाइम यू हैव टू रिमेंबर कि आपको नैनोमीटर में दिया है लेकिन किलो कैलोरी पर मोल में पूछ रहा है, तो आपको कन्वर्जन फैक्टर्स पता होने चाहिए। ओके, सो दिस इज वन वे टू मेजर द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। आई विल अगेन एक्सप्लेन इट विद दिस डायग्राम। यही आपका D1 सिस्टम था, ठीक है, जो आपका लेफ्ट साइड में डायग्राम है, दिस इज शोइंग योर TiH2O6+ इन ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, आप लोग में से कोई बताइए जो यहाँ बैठे हैं। नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट से मतलब नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट टाइटेनियम का +3 है, ठीक है। ये जो लेफ्ट साइड में एनर्जी स्प्लिटिंग डायग्राम है, ये डायग्राम है TiH2O6+ का। इसके पास डी ऑर्बिटल में केवल एक इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन T2g ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैं बोल रही हूँ इट इज द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ TiH2O6+, ठीक है। इसका क्या मतलब है, यस, सो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहने का मतलब है लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट में मॉलिक्यूल है, ठीक है। क्योंकि अब अगर आपको कोई रैंडमली बोले कि आपको TiH2O6+ का, वन सेकेंड,
तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, तो आप यही जो लेफ्ट हैंड में प्रेजेंट है यही बनाएंगे, बनाएंगे ना ऑक्टाहेड्रल फील्ड में आप क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे? अगर आपके पास सपोज अगर आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे चल रहे होते, आपको कंपाउंड दिया जाता Ti H2O 6 3 प्लस, सो आपका पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होता, ठीक है। लेकिन सिंस हम लोग जान रहे हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वॉज नॉट एक्यूरेट इन गिविंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज वाई वी केम टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सो वहाँ पे हमने क्या बनाया, T2G Eg सेट बनाया, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा, ठीक है। सो दैट इज द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ये जो है वो मिनिमम पॉसिबल एनर्जी स्टेट में है, जो लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट है। तभी तो टाइटेनियम का हेक्सा एक्वा सॉल्ट स्टेबल होगा, तभी जब वो ग्राउंड स्टेट में होगा। Now what happens when we have given certain amount of energy, this is the excited state electronic configuration. The electron which was present in T2G orbital has now moved to Eg orbital by absorbing certain amount of energy, right? हम लोग इसको बोल रहे हैं this is an excited state configuration. Why? Because it is associated with high amount of energy and it is not very stable. ये बहुत स्टेबल नहीं है, क्योंकि क्यों स्टेबल नहीं है, क्योंकि जब एनर्जी मिनिमम थी वहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब करके मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में गया, तो ये एक शॉर्ट लिव्ड स्टेट है, मतलब ये बहुत कम समय के लिए पाई जाती है, बट इट इज देयर बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द T2G ऑर्बिटल। अब T2G ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो उसका नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल क्या है, Eg है, वो उसी में जाएगा, और वही एनर्जी जो एब्जॉर्ब हुई थी दैट वाज इक्वल टू 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स, जो Ti H2O 6 3 प्लस ने बताया था। सो इन अ वे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये आपका लैम्डा है जो हमने 200 से 400 से 700 नैनोमीटर का विजिबल लेंथ का दिया, ठीक है। इसमें से जब आपका मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट पे है, कुछ अमाउंट एब्जॉर्ब कर लिया, दिस इज योर एब्जॉर्ब लैम्डा एंड रेस्ट ऑफ इट इज बीइंग ट्रांसमिटेड। तो ये आपका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये आपका एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ग्राउंड स्टेट में जब आपने एनर्जी दी, इतना अमाउंट ये लैम्डा वैल्यू जो ग्रीन और येलो रीजन के कोरिस्पॉन्ड करता होगा, मतलब 500 से 600 नैनोमीटर का वेवलेंथ, 400 से 500 नैनोमीटर का वेवलेंथ एब्जॉर्ब करके मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में Eg ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो गया, और बाकी का जो वेवलेंथ था वो ट्रांसमिट हो जाएगा क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ। तो कलर किसके बेसिस पे दिखेगा, जो ट्रांसमिट हो गया है, पर्पल ग्रीन ऑरेंज रेड जो भी ट्रांसमिट हुआ है उसका एक कॉम्बाइंड कलर दिखाई देता है। Ti H2O 6 3 प्लस येलो रीजन में एब्जॉर्ब करने की वजह से पर्पल कलर का शो होता है, ठीक है। नाउ समवन वाज आस्किंग सम क्वेश्चन। नो मैम, एक्चुअली वी हैव जस्ट आस्क्ड अबाउट द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो I was also saying the same thing which you were describing, that is the low energy degeneration maintenance. So is there now any problem in understanding this part? See, this whole crystal field theory, yes. Ma'am, वो जो graph आपने बताया है Ti H2O का whole 6 3 plus, तो ma'am उसमें ये जो दो peak मिल रहे हैं ma'am, और एक जगह आप बता रहे हैं कि उसमें दो चीज हो रहे हैं ma'am, एक 20,000 के जगह पे हो रहे हैं। यहाँ पे भी है। जी जी, तो मैं मोहाल बताई वहां, वी विल टॉक अबाउट इट, दिस इज व्हिच वी कॉल, देखो एक तो क्लियर कट पीक होता है जहां पे नो डाउट देयर इज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, ये वाला जहां पे मैंने कर्सर पुट किया है ये आपका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन का पीक है। एक यहां पे थोड़ा सा हम्प दिख रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं शोल्डर, पीक का शोल्डर है, मतलब देयर इज स्मॉल राइज इन द एब्जॉर्बेंस एट दिस पोजीशन, राइट। इस शोल्डर का भी रीजन होता है, ऑलवेज इफ देयर इज सर्टेन यू नो सर्टेन पीक इज अपीयरिंग, सर्टेन शोल्डर इज अपीयरिंग, इट ऑलवेज बी एसोसिएटेड विद सर्टेन काइंड ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। सो दैट वी विल टॉक अबाउट व्हेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, ओके। राइट नाउ वी आर नॉट डिस्कसिंग JT डिस्टॉर्शन, तो वी विल रिस्ट्रिक्ट आवर डिस्कशन टू ओनली द सिंपलेस्ट फॉर्म, दैट इज 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स, ओके। आई अंडरस्टूड योर क्वेश्चन, आई थिंक इट वाज द सेम थिंग दैट यू वर आस्किंग, ओके। मैम वहाँ पे दो कॉन्सेप्ट और बता दीजिएगा मैम, डीजी ट्रांजिशन और चार्ज ट्रांसफर। यस, दैट इज द पार्ट ऑफ योर यूनिट 2 इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, नो। सो ये तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ही है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है, फ्लोरेसेंस फॉस्फोरेसेंस सब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से आते हैं। फोटोकेमिस्ट्री इज रियली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। सो दैट वी विल टॉक अबाउट व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, चार्ज ट्रांसफर एंड डीजी ट्रांजिशन। डीजी ट्रांजिशन तो यही हुआ, इसी को डीजी ट्रांजिशन बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं। T2G भी डी इलेक्ट्रॉन है, Eg भी डी इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल है, तो एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल का मूवमेंट ही डीडी ट्रांजिशन है,
D2 जिसे इलेक्ट्रॉन Eg ऑर्बिटल में मूव कर रहा है, दैट इज ओनली DD ट्रांजिशन, ठीक है, ये कुछ और नहीं है. सो वी विल बी डिस्कसिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन यूनिट 2. दिस होल एक्सरसाइज वॉज ओनली टू एक्सप्लेन दैट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, दैट इज द गैप ऑफ T2G एंड Eg, इट हैज टू बी एक्सपेरिमेंटली डिटरमिंड, एंड द बेस्ट वे टू डिटरमिन इट इज द एब्जॉर्प्शन. सॉरी फॉर इंटरप्शन मैम. मैम एक जो ग्राफ आप दिखा रहे हो उसमें डीडी ट्रांजिशन भी हो रहे हैं और चार्ज ट्रांसफर भी हो रहे हैं, जो स्टीपर पार्ट हो रहे हैं वहां पे. सी स्टीपर पार्ट पे चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन, यू नो चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन अगर होता तो उसका बहुत ही स्ट्रांग एब्जॉर्प्शन बैंड होता, राइट. आई माइट हैव शोन सम ग्राफ इन द इनिशियल क्लास दैट जहां पे डीडी और ट्रांजिशन दोनों ही हो रहे थे. अगर चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन भी होगा इट विल अपीयर एज अ पीक इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. ओके, मे बी आफ्टर 30,000 सेंटीमीटर इनवर्स वी डिड नॉट गेट दिस स्पेक्ट्रा हियर दिस पॉइंट, मे बी देयर वॉज सम स्ट्रॉन्गर पीक एट दिस पॉइंट, राइट. बट सिंस इट इज वॉटर मॉलिक्यूल सो देर इज नॉट अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन हियर. Okay, but there are certain ligands which have higher probability of charge transfer transitions. Okay, so that is one very important thing ki is compound ka particularly color DD transition ki wajah se aa raha hai ki charge transfer transition ki wajah se aa raha hai, that is also an important factor to understand. Titanium ka hexa aqua salt jo hai purple color ka dikhai deta hai because of DD transition. बट पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का दिखाई देता है बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन. और फेरी फेरोसाइनाइड आप लोग जो पढ़ते हैं प्रशियन ब्लू कलर, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन, ठीक है, वहाँ पे MMCT होता है. सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू फर्स्ट लर्न एंड देन वी कैन टॉक अबाउट इट. ओके, राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस मच अबाउट द ट्रांजिशन बिकॉज स्टिल वी आर अंडरस्टैंडिंग द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, राइट. सो लेट अस जस्ट लीव इट हियर. आई विल कम टू योर this question that charge transfer transitions, but after we have completely explained the crystal field theory and various aspects. Okay, okay, so same thing I ye yahi cheez hai, agar absorb kar raha hai red to it will be appearing blue, this is the artist wheel jo hum log bolte hain. Agar absorb kar raha hai yellow to ye purple or violet color ka appear karega, अगर ऑरेंज में है तो ग्रीन कलर का अपीयर करेगा. सो दिस व्हील यू शुड ऑलवेज रिमेम्बर, राइट. एंड ये केवल एग्जाम पास करने के पर्पज से आप क्लास को मत लीजिए. आप कभी भी आगे अगर आप रिसर्च में भी जाएंगे तो दिस कॉन्सेप्ट ना एब्जॉर्प्शन का और ये सब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो ऑलवेज ट्राई टू गेट टू द बेसिक्स ऑफ दीज थिंग्स. ओके, सो अब हम लोगों को कैलकुलेट करना है क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइजेशन एनर्जी, राइट. नाउ अभी तक हमने बात किया था, वी ओनली टॉक्ड अबाउट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी. ऑलवेज इन द एग्जामिनेशन यू विल बी सी, कोई ऐसा नहीं बोलता है कि कैलकुलेट द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग अंटिल अनलेस दे हैव गिवन सर्टेन डेटा. ऑलवेज वी आस्क कैलकुलेट द क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी फॉर द गिवन कॉम्प्लेक्सेस. ओके, सो अच्छा एक टर्म है स्टेबिलाईजेशन क्यों बोलते हैं, ठीक है, स्टेबिलाईजेशन क्यों बोलते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली फ्रॉम द फ्री मेटल आयन, जो आपका फ्री मेटल आयन एग्जिस्ट करता था उसकी तुलना में कॉम्प्लेक्स की एनर्जी घटती है कि बढ़ती है मैम, क्योंकि वो स्टेबल हो जाता है मैम, जैसे कि नीचे में -0.4 है और ऊपर में +0.6 है, तो नीचे में अगर मैम 3 इलेक्ट्रॉन और ऊपर में 2 इलेक्ट्रॉन अगर करते हैं मैम तो -1.2 +1.2 दैट विल बी इक्वल टू 0, सो इट इज स्टेबलाइज्ड. हां यस yes, so we always talk crystal field stabilization energy. If you look at this one, आपने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लिप फिल किया, ठीक है, तो आपके पास दो ऑर्बिटल है T2G Eg में +0.6 है और T2G में आप 0.4 या -0.4 लिख सकते हैं क्योंकि बैरी सेंटर से नीचे है, लिख सकते हैं. अगर if I represent it as minus, okay, it is also correct notation, no. -0.4 डेल्टा ओ लिखने का मतलब क्या है, बैरी सेंटर से नीचे है. +0.6 डेल्टा ओ लिखने का मतलब है बैरी सेंटर से ऊपर है, ठीक है. अब आप इसकी एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी कमिंग 0.4 डेल्टा ओ और 4DQ या -0.4 डेल्टा ओ भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है आप लोग जो यहाँ बैठे हैं. हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट है, इन अगर आई हैव रिटन बी सी एफ एस सी इन दिस फॉर्म, इसका सी एफ एस सी 0.4 डेल्टा ओ है,
ठीक है, इट इज नॉट इनकरेक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल बुक्स में भी बहुत जगह आपने देखा होगा कि सीएफएसई पॉजिटिव स्टेट में भी लिखा है, 4DQ भी लिखा है, -4DQ भी लिखा है, या 0.4 डेल्टा ओ भी लिखा है, 0.4 डेल्टा ओ भी लिखा है. ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके सीएफएसई में ही टर्म है स्टेबिलाईजेशन. दैट मीन्स अगर हम लोग एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब के फॉर्म में रखें तो माइनस साइन आएगा जब रिलीज होता है. ठीक है, तो अगर हमने ऑलरेडी स्टेबिलाईजेशन बोल दिया, मतलब ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे वो माइनस साइन ही है, दैट इज वाई इट इज स्टेबिलाईजेशन. अगर प्लस साइन होता तो कभी भी सीएफएसई में स्टेबिलाईजेशन टर्म नहीं होता. ऑलवेज सीएफएसई कम्स टू बी नेगेटिव बिकॉज ये स्टेबिलाईजेशन एनर्जी है. क्यों? क्योंकि T2G में हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ईजी ऑर्बिटल. क्योंकि T2G पहले फिल करेगा फिर ईजी ऑर्बिटल फिल करता है. And that is the another part of discussion. But now ये आपका जो minus term है, ये आपका हमेशा ही minus रहेगा. कभी भी crystal field energy ऐसी positive नहीं आएगी because ये stabilization energy है. अगर stabilize नहीं होता molecule तो वो compound ही exist नहीं करता. तो either you put or this negative sign or not, this is not going to make much difference. Negative sign convention को follow करता है. But CFSE में हमने already stabilization word include कर दिया. Always where there is stabilization, there means energy will have to be put as the negative sign. क्यों? क्योंकि आपको बार बार मैं वो Moses plot explain करती हूँ, मैं फिर से आज भी बना देती हूँ कि जब भी हम कोई compound formation पढ़ते हैं so always we form it in this way. We always put it below the, ये zero level है तो हमेशा ये negative sign में ही रहेगा formation energy. Okay, so stabilization में term stabilization है तो it is always be a negative entity. ठीक है, आप put करिए negative sign और नहीं, ठीक है, बट अगर पुट कर रहे हैं तो आप अपने सारे कैलकुलेशन में वो नेगेटिव साइन को रिटेन रखिएगा, अदरवाइज तब वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा. नेगेटिव साइन बस ये शो करता है दैट इट इज बिलो द बैरोसेंटर और इट इज स्टेबिलाईजेशन, राइट. अगर आपने 0.4 डेल्टा ओ भी लिखा होता जैसे मैंने यहाँ लिखा था वो भी करेक्ट था, बट -0.4 डेल्टा ओ लिख दिया तो ये मतलब एक इंडिकेशन हो गया दैट इट इज बिलो द बैरोसेंटर. ओके, सो अब आपका दिस इज द D2 सिस्टम. अब D2 सिस्टम में कितना हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन आपके T2G ऑर्बिटल में फिल हो गए तो ओके आई हैव दो इलेक्ट्रॉन अगर T2G में फिल हो गए तो आपका 2 × -0.4 इट विल बी -0.8 डेल्टा ओ. या DQ में कितना होगा, इसी को अगर DQ में लिखेंगे तो कितना होगा, 8 DQ है ना, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑलवेज रिमेम्बर. ठीक है, D3 सिस्टम का कितना होगा, -1.2 डेल्टा ओ. ठीक है, D3 सिस्टम तक तो बहुत ही सिंपल था, -1.2 डेल्टा ओ तक हमने बता दिया. अब आया फोर्थ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अब हमारे फोर्थ इलेक्ट्रॉन के पास दो पॉसिबिलिटी है, आइदर इट विल पेयर अप इन द T2G ऑर्बिटल. ठीक है, चौथा इलेक्ट्रॉन या तो T2G ऑर्बिटल में ही पेयर अप हो जाए या चौथा इलेक्ट्रॉन EG ऑर्बिटल में चला जाए. ठीक है, अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है पेयरिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट. ठीक है, सो ओके, सो आई कैन अप टू हियर व्हाट वी हैव बिफोर मूविंग टू पेयरिंग एनर्जी अप टू हियर व्हाट वी अंडरस्टूड. सबसे पहला पॉइंट, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी. स्प्लिटिंग क्या है, एक्सटेंट ऑफ सेपरेशन ऑफ T2G एंड EG ऑर्बिटल. When the orbitals have separated and now electrons are occupying, then we calculate the crystal field stabilization energy. ठीक है, splitting is experimentally measured and stabilization is calculated with the help of crystal field splitting. कैसे, अगर आपका value आया 0.8 डेल्टा ओ, ठीक है, तो डेल्टा ओ का वैल्यू पता होगा तो आप क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी किलो जूल पर मोल सेंटीमीटर इनवर्स नैनोमीटर में कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट. Crystal field splitting is characteristic of a particular complex and depends upon the type of ligand that we will discuss factors affecting CFT, crystal field splitting. Pairing energy is the energy required to place two electrons in the same orbital, right? So now, जो मैंने अभी बात की that fourth electron will be pair up in this orbital or it will go to the EG orbital, that will depend upon the amount of energy required, right? So how much amount of energy is required to pair up this electron in T2G orbital? उसको कंपेयर करना होगा how much electron energy is required to promote the electron from to EG orbital. यानी कि if this is something you already I think understand, but maybe some of you still are not familiar with this. So now we have this one.
ओके वी हैव थ्री इलेक्ट्रॉन्स हियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फोर्थ इलेक्ट्रॉन माइट बी पेयर्ड इन द टी2जी ऑर्बिटल. तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन को ईजी ऑर्बिटल में जाने के लिए ये पूरा बैरियर एनर्जी का क्रॉस करना होगा, ठीक है. और फोर्थ इलेक्ट्रॉन को टी2जी ऑर्बिटल में पेयर होने के लिए पेयरिंग एनर्जी का बैरियर क्रॉस करना होगा, ठीक है. मतलब डेल्टा ओ और पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू पे ही डिपेंड करेगा दैट वेदर द इलेक्ट्रॉन विल गो टू द ईजी ऑर्बिटल और इट विल बी पेयर्ड अप इन द टी2जी ऑर्बिटल. ओके सो पेयरिंग एनर्जी, अब अगर व्हाट इज पेयरिंग एनर्जी, हियर इट इज रिटन दैट पेयरिंग एनर्जी इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर द इलेक्ट्रॉन इन सेम ऑर्बिटल. ओके पेयरिंग एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू प्लेस द टू इलेक्ट्रॉन्स इन सेम ऑर्बिटल. दो इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिटल में प्लेस करने के लिए सबसे पहला जो एक प्रॉब्लम है वो है म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, क्योंकि दो नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिवली चार्ज्ड है, दोनों को हमें, अगर हमारे पास चार ऑर्बिटल अवेलेबल है तो इलेक्ट्रॉन भी प्रेफर करेगा ना कि वो सिंगल सिंगल ऑक्यूपाइड होकर चार ऑर्बिटल में जाए. उसको अगर हमें एक ही ऑर्बिटल में पेयर करना होगा तो पहला हमें कूलॉम्बिक फोर्स ऑफ रिपल्शन को ओवरकम करना होगा, राइट. और सेकेंड इज द एक्सचेंज एनर्जी, राइट. सो एक्सचेंज एनर्जी इज समथिंग दैट वी हैव टू टॉक अबाउट मे बी टुमारोज क्लास. ओके अब अच्छा, एनीबडी इज फेमिलियर विद द एक्सचेंज एनर्जी? एक्सचेंज एनर्जी नहीं पढ़ा है कभी आप लोगों ने? नहीं पढ़ा. ओके सो पहली चीज, अब अगर पेयरिंग एनर्जी है, ठीक है, तो पेयरिंग एनर्जी हमने बोला दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा. पहला जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन हो रहा है वो, एंड दूसरा फैक्टर क्या है, लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी. ओके ठीक है. सो लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी को समझने के लिए पहले एक्सचेंज एनर्जी को समझना जरूरी है, ठीक है. हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि हमारे पास अगर हम D3 सिस्टम तक जाते हैं तो इट इज वेल नोन कि D3 तक हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हमने T2G में इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दिया, राइट. बट वेन वी मूव टू D4 सिस्टम, D4 में हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है, इलेक्ट्रॉन T2G में ही पेयर अप हो जाएगा या इलेक्ट्रॉन EG ऑर्बिटल में चला जाएगा, ठीक है. तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज किस पे डिपेंड करती है, पेयरिंग एनर्जी पे, दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू पेयर अप द इलेक्ट्रॉन इन द T2G ऑर्बिटल. पेयरिंग एनर्जी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? फर्स्ट फैक्टर है रिपल्शन. रिपल्शन इसलिए क्योंकि अगर हमने इलेक्ट्रॉन्स को एक ही ऑर्बिटल में प्लेस करने की कोशिश की तो दैट मीन्स देयर इज म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल. एंड सेकेंड फैक्टर इज लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी. ओके सो लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी वी विल डिस्कस टुमारो. थोड़ा सा पढ़ के आइएगा एक्सचेंज एनर्जी का लॉस क्या होता है, ठीक है. सो ये दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है P2 एंड P3, ठीक है. आपको बताना है एक्सचेंज एनर्जी मैक्सिमम किस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में होगी, P2 में होगी या P3 में होगी, ठीक है. यू सी एक मेरे पास है डायग्राम, ये आपका एक इनिशियल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है P3 ऑर्बिटल का, जहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन है, वन जो है वो साइन कलर से है, वन इज ब्लू एंड अदर इज रेड, ठीक है. सो ये तीनों इलेक्ट्रॉनिक का अरेंजमेंट है. तीनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितने टाइप ऑफ एक्सचेंजेस पॉसिबल है? थ्री एक्सचेंजेस पॉसिबल है ये तीनों के. मतलब हमने इसको यहाँ पर पुट कर दिया, इसको यहाँ पुट कर दिया, रेड को इसमें रहने दिया, इस टाइप का अरेंजमेंट पॉसिबल है, ठीक है. सो यहाँ पे एक्सचेंज एनर्जी मैक्सिमम होगी क्योंकि थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सचेंजेस आर पॉसिबल. सो आप थोड़ा सा एक्सचेंज एनर्जी के बारे में कल पढ़ के आइए, बिकॉज इट शुड बी टॉट इन द फर्स्ट सेमेस्टर इटसेल्फ. एंड एक्सचेंज एनर्जी इज रिलेटेड टू होम्स रूल, ठीक है. थोड़ा सा पढ़ के आइए एंड टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द पेयरिंग एनर्जी एंड एक्सचेंज एनर्जी. Pairing, someone has asked that pairing depends on the ligand stability or not. Ligand stability is a term that should not be used, ठीक है. Ligand stability जैसा कुछ होना नहीं चाहिए. Ligand stable होगा तभी वो bond complex formation करने के लिए आएगा, तभी वो ligand बोला जाएगा, ठीक है. So we discuss it tomorrow. Yes. Ma'am, pairing is related to the strength of the ligand, that it is weak or strong. Can we just relate with that?
नो, तो पेयरिंग स्ट्रॉन्ग और वीक पेयरिंग एनर्जी को अफेक्ट नहीं करता है. पेयरिंग एनर्जी मॉलिक्यूल का इनहेरेंट क्वालिटी है. स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड डेल्टा ओ को अफेक्ट करता है, उससे हम पेयरिंग एनर्जी को कंपेयर करते हैं. पेयरिंग एनर्जी लिगेंड पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है? पेयरिंग एनर्जी आपका जो मेटल सिस्टम है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है? सो ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग या वीक है जो आप बात बोल रहे हैं, तो लिगेंड के स्ट्रॉन्ग और वीक होने का मतलब है डेल्टा ओ किसका कितना ज्यादा है, ठीक है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब है डेल्टा ओ का वैल्यू बहुत ज्यादा है, वीक लिगेंड का मतलब है डेल्टा ओ का वैल्यू बहुत कम है. पेयरिंग एनर्जी कॉन्स्टेंट रहेगा. अगर कोबाल्ट प्लस थ्री है, कोबाल्ट प्लस थ्री अगर वाटर के साथ है, कोबाल्ट प्लस थ्री अगर फ्लोरीन के साथ, फ्लोराइड के साथ है, दोनों ही केसेस है, पेयरिंग एनर्जी सेम रहेगी, डेल्टा ओ वैल्यू बदल जाएगी, ठीक है? ये सब बहुत फंडामेंटल चीजें हैं जो हम लोग कल डिस्कस करेंगे इन टुमारोज क्लास. एंड आपने आप में तो आज एक क्वेश्चन पुट करूंगी आपका क्लासरूम में, दैट इज अबाउट द स्प्लिटिंग ऑफ पी और बाय द वे नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक ऑक्टोहेड्रल फील्ड. मैंने उस दिन बोला था, आप लोगों ने नोटिस नहीं किया, ठीक है? ये ऐसा है जिसको आप थोड़ा बहुत पढ़िए.